हेलो दोस्तों का फिर से स्वागत है हमारे ज्ञान फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक गवर्नमेंट जॉब लेके आया हूँ जो झारखंड सरकार की तरफ से निकल के आई है, और ये जो रिक्वायरमेंट निकल के आई है बोकारो जिला की तरफ से निकल के आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल घंटी को भी दबा लें जिससे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे सब आप लोगों को मिल जाएंगे। स्क्रीन पे आप लोगों को जैसे दिखाई देता होगा, यहाँ पे फिलहाल मैं गूगल ओपन करके रखा हूँ। मैं यहाँ पे चलता हूँ बोकारो डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो गूगल पे मैं सिर्फ बोकारो लिखता हूँ और इंटर कर देता हूँ। तो देखिए पहला वाला लिंक आ जाता है bokaro.nic.in, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जो बोकारो डिस्ट्रिक्ट के लिए है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, उसका होम पेज पे आ जाऊंगा। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं नोटिस पे चलता हूँ और उसके अंदर में देखिए रिक्वायरमेंट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो हम लोग का रिक्वायरमेंट वाला पोर्टल ओपन होकर आ जाता है सामने में, जहाँ पे अभी फिलहाल देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर इंजीनियर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला जॉब निकाल के आई है। यहाँ पे इसका लास्ट डेट दिया गया 31/7/2019। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पीडीएफ में जो भी डिटेल दिया गया है। देखिए यहाँ पे पीडीएफ आ गया सामने में, जिला दंडाधिकारी कार्यालय बोकारो, नियुक्ति संबंधित सूचना जो निकाली गई है। यहाँ पे देखिए ये मैसेज वगैरह मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये जो थ्योरी दिया गया है यही डिटेल यहाँ पे आप लोग टेबल में भी देख सकते हैं। इस टेबल में दिया गया है पहले क्रमांक संख्या, फिर पद का नाम। पहला पद दिया गया है कनिका अभियंता यानी कि इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए। उसके बाद दूसरा वाला दिया गया है लेखा लिपिक सा कंप्यूटर ऑपरेटर, इसके लिए। तो पहला पोस्ट के लिए 3 वैकेंसी है और दूसरा वाले के लिए जो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 8 है, जो आप लोगों का कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। देखिए जनरल के लिए यहाँ पे समन है, अनुसूचित जनजाति, जाति, पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए। ऐसे ही दूसरा वाला टेबल पे चलते हैं तो इसमें देखिए दिया गया है, इसमें भी इंजीनियर वाले के लिए दिया गया है। इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, पहला वाला में पोस्ट दिया गया है डिटेल, इसके बाद सेकेंड वाला जो टेबल आता है इसमें इसका क्वालिफिकेशन डिटेल मांगा गया है। क्वालिफिकेशन डिटेल में यहाँ देखिए दिया गया है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से आप लोगों का 60% अंक के साथ सिविल में आप लोगों का होना चाहिए, डिप्लोमा बीटेक बीई ये सब कंप्लीट होना चाहिए आप लोगों का 60% के साथ। और अनुसूचित जनजातियों के लिए ये यहाँ पे दिया गया 50%। और फिर इसका सैलरी रेंज आ जाती है देखिए 17,000 पर मंथ। दूसरा वाला जो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है, इसके लिए आप लोगों का क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए 50% के साथ आप लोगों का अंक के साथ बीकॉम बीएससी गणित संघ में होना चाहिए, या बीए भी हो सकता है गणित में अगर कंप्लीट किए हैं तो। उसके बाद आप लोगों का जनजाति विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम अंक 5% की छूट रहेगी बोल के दिया गया है। इसकी सैलरी रेंज हो जाएगी 10,000। नीचे चलते हैं, उम्र सीमा दी गई है। उम्र सीमा मैक्सिमम यहाँ पे देखिए इंजीनियर वाले जो कनीय अभियंता के लिए दिया गया है, मैक्सिमम अधिकतम जो सीमा दी गई है 40 यानी कि 40 वर्ष मैक्सिमम दिया गया है। लेखा लिपिक कंप्यूटर ऑपरेटर वाला के लिए सामान्य वाले के लिए 35 दिया गया है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले के लिए 37 दिया गया, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40 दिया गया, ये मैक्सिमम वाला दिया गया है। उसके बाद नियुक्ति किस तरह से होगी, इसकी प्रक्रिया देखिए, कनिकीय अभियंता एवं लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर के नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य एवं वांछनीय अनुभव विषय ज्ञान परीक्षा एवं कंप्यूटर टेस्ट के अंकों के कुल प्राप्तांक पर आप लोगों का ये रिजल्ट यानी कि सूची निकाला जाएगा, जिसमें से यहाँ पे जैसे मेंशन किया गया है एक्सपीरियंस वगैरह आप लोगों का किस विषय में कितना ज्ञान है, कंप्यूटर टेस्ट जो होगा उस सबको सारे को ध्यान में देखते हुए आप लोगों का नियुक्ति होगा यानी कि रिजल्ट इसका निकाला जाएगा। मेगा सूची वाला पॉइंट्स जो दिए गए हैं ये मैं फिलहाल नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये सब देख लीजिएगा। कुछ कुछ पॉइंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को हर पॉइंट को एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया सफल अभ्यर्थियों का कंप्यूटर ज्ञान है तो टेस्ट भी देना अनिवार्य होगा। तो इस तरह से पॉइंट्स सब जो दिए गए हैं जो आप लोगों को करना होगा, यहाँ पे ये अनिवार्य है कंप्यूटर ज्ञान का एग्जाम देना। 6 नंबर पॉइंट में जैसे दिया गया है देखिए आप लोगों का 10 अंक के लिए रहेगा, जिसमें से अनिवार्य आप लोगों का क्वालिफिकेशन जो है वो अगर आप शो कराते हैं उसमें आप लोगों का 50 मार्क का रहेगा। वंचित योग्यता के लिए 10,
और अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस है तो आप लोगों का 10 ये मार्क है, उसके बाद विषय ज्ञान में 20, उसके बाद कंप्यूटर ज्ञान में 10, इस तरह से टोटल आप लोगों का 100 100 अंक के रहेंगे। कंप्यूटर परीक्षा नीचे में देखिए, कंप्यूटर परीक्षा में उत्तीर्णता के स्तर 40% होगा, यानी 10 से 10 में 4 अंक लाना अनिवार्य है आप लोगों का। कंप्यूटर वाला जो एग्जाम है इसमें 10 जो दिया गया है ये, इसमें आप लोगों का 4 लाना बहुत ही अनिवार्य है। तो ये सब पॉइंट्स दिए गए हैं, नीचे चलते हैं। और जो जो मैं स्टार्टिंग में जैसे बताया कुछ कुछ पॉइंट्स जो स्किप हो जाते हैं, वो सब आप लोग जरूर एक बार इसको डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसको आवेदन करने की प्रक्रिया क्या रहेगी, देखिए सबसे पहले तो आपका इस वेबसाइट पे जाइए bokaro.nic.in में जाके उसका फॉर्मेट जो आवेदन पत्र मिलेगा उसको डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसको भरिए, उसको स्पीड पोस्ट या निलंबित डाक के साथ आप लोगों को भेजना पड़ेगा। ये उसका एड्रेस दिया गया है, साथ आपका सब अटैच करना पड़ेगा सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। उसके बाद आवेदक का आवेदन के साथ पद के अनुरूप शुल्क भुगतान करना होगा, यानी कि अभियंता के लिए यहाँ पे 500 रुपया, सामान्य श्रेणी के लिए 300 रुपया, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। उसके बाद सेम वही फिर रहेगा आप लोगों का कंप्यूटर ऑपरेटर वाले के लिए भी, यहाँ पे देख सकते हैं टेबल में दिया गया है। और ये आप लोगों का जो आवेदन शुल्क दिया गया है, देखिए डीडी बैंक का यहाँ पे डीडी बनाना पड़ेगा, ये सब किसके लिए बनाना पड़ेगा सब यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अंतिम डेट जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था 31/7/2019 को तक आप लोगों का ये पहुंच जाना चाहिए, ऑफलाइन दिया गया है। उसके बाद नीचे चलिएगा तो आप लोगों को फॉर्मेट मिल जाएगा एप्लीकेशन का, इसी के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि ये डाउनलोड करके भरना पड़ेगा, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके आपको इसको भेजना पड़ेगा एड्रेस में। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक लेटेस्ट जॉब के साथ कुछ अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।